अब इस पे तो बैठ के मंथन होगा, यकीनन परिणाम तो हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे आना चाहिए थे वैसे नहीं आए। आपके कई पदाधिकारी हारे हैं, क्या क्षमता योग्यता भी है इसके पीछे कारण? नहीं नहीं, क्षमता और योग्यताओं के आधार पे ही टिकटें दी गई, लेकिन कई चीज़ों का मूल्यांकन होता है उसके बाद। मुझे लगता है बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। हमारे पास जो कार्यकर्ता थे बहुत साधारण कार्यकर्ता थे, जिनके पास पैसे का कोई बहुत वो नहीं था। कोविड का ही बहुत लगातार संक्रमण काल चल रहा था, दूसरी तरफ लोगों ने पैसे से अनाधिकृत रूप से लोकतंत्र में वोटों को खरीदने का भी काम किया, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। शेष अन्य बातें जब बैठेंगे तो समझ में आएंगी कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आपकी पार्टी के विधायक का बेटा हारा है, आपके जो बहुत साथ साथ चल रहे थे चुनाव के प्रभारी थे भूदेव सिंह, उनका लड़का हारा है, तो कहीं ना कहीं जनता के में असंतोष तो है ही। अब हम उसको असंतोष नहीं कर सकते, इसकी बहुत सारी जगह लोकल चुनाव है, इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। हमारा इसमें चुनाव सिंबल नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको हार असंतोष नहीं मान सकते। जिलाध्यक्ष का आरोप बहुत ही हास्यास्पद और बचकाना है। वो हमारे दल पर ही आरोप लगा रहे हैं कि पैसे देकर हमने मतदाताओं के वोट खरीदे हैं। अगर ये काम हम कर सकते हैं तो वो तो सत्ता में बैठे हैं प्रदेश और केंद्र में, उनके पास हमसे कहीं ज़्यादा पैसा है, वो काम वो भी कर सकते थे इस काम को। वास्तविकता ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। 4 साल के शासन से जनता त्रस्त है और उसी के परिणाम स्वरूप इस पंचायत चुनाव में मतदाताओं ने समाजवादी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए, ना कि वो अनगन आरोप लगा रहे हैं। उनका ये आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी लोकप्रिय है और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। पंचायती चुनाव में करारी हार के बाद भाजपा के हारे प्रत्याशी कर रहे हैं तरह तरह की बातें। भोजपुर विधायक ने 9 सदस्यों को जिताने की ठोकी थी ताल, मामला हुआ टाइटैनिक फिस। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहू तक नहीं जीत पा सकी बीडीसी का चुनाव। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। और ये खबर है हमारे संवाददाता कुलदीप बाथम की। पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा करने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जनपद फरुखाबाद में औंधे मुंह गिर पड़ी। जनपद की जनता ने पंचायत चुनाव में सब साफ कर दिया, जबकि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में सर्वाधिक सीटें लाने का दावा करने वाली भाजपा के नेताओं की जनता ने पोल खोल दी। जिला पंचायत के आए परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि जबकि भाजपा के दिग्गज नेता ये दावा कर रहे थे कि सरकार हमारी है, हम ही जीतेंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भोजपुर विधायक ने कमालगंज व मोहम्मदाबाद के सभी प्रत्याशियों को जिताने की ताल ठोंकी थी। भाजपा के 11 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे थे, जिसमें से 9 प्रत्याशियों को जिताने का दावा किया। विधायक जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु किसी भी प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। वहीं अमृतपुर विधायक सुशील शाक्य ने अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों को जिताने के लिए दबाकर बैठकें व सभाएं की, परंतु राजेपुर में भाजपा का खाता तक नहीं खुला। बड़पुर ब्लॉक में जरूर तृतीय क्षेत्र से अंजिता राणा विजयी हुई, परंतु सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने किसी भी प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क नहीं किया। वहीं कायमगंज विधायक अमर सिंह खटिक ने कायमगंज व शमशाबाद में खूब जनसंपर्क किया, परंतु उनके भी सारे दावे खोखले निकले। जिला पंचायत सदस्य तो दूर अपने पौत्र की अपने ही गाँव से प्रधानी का चुनाव तक नहीं जिता पाए। अब बताते हैं हमारे सांसद जी के बारे में। तो हमारे भाजपा के गद्दावर सांसद मुकेश राजपूत कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण उपचार के लिए बाहर गए हुए हैं, जिस वजह से वे पार्टी समर्थित प्रत्याशियों का प्रचार नहीं कर पाए। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि सांसद मुकेश राजपूत की पुत्र वधु क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी और बुरी तरह हार गईं। इस चुनाव से यह तय हो गया है कि आने वाला समय भाजपा के लिए बड़ी चुनौती भरा है। इतनी बुरी हार से पार्टी में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता बड़ी कोशिशों के बाद कैमरे के सामने आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और सपा पर पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाया, जिसे सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी ने भाजपा के इस आरोप को बचकाना बताया। खैर, खबर के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।